अरे आ गए आप लोग, आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है अमान अंसारी और एक ही गेमर के रूम टूर में। देख लिया था इस रूम को पूरे तरीके से बनते हुए, अब यार हम लोग थोड़े से डिटेल में बात करेंगे ये रूम में क्या क्या चीज लगाई गई है, कौन कौन चीज कस्टमाइजेबल है और मैं रोजाना क्या क्या चीजों को यूज करता हूँ। तो यार अब हम लोग यार बात करने वाले अपने टेबल के बारे में। तो ये टेबल मैंने कस्टमाइज बनवाया है और ये टेबल में मतलब की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रेगुलर यूजेस करता हूँ। तो आइए धीरे धीरे करके आपको मैं सब चीज बताता हूँ। सबसे पहला मेरा पीसी, तो ये पीसी मैंने एक साल पहले बिल्ड किया था, इसकी वीडियो भी आपको मेरे एके गेम वर्ल्ड चैनल में मिल जाएगी, बट इसमें बहुत सारी चीजें अपग्रेड हुई है दिन टाइम पर टाइम, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सटर्नली लगाई है इसमें, लाइक रैम को अपग्रेड किया, ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड किया, लिक्विड कूलिंग लगाई है और बहुत सारे छोटे मोटे कस्टमाइज किए हैं। तो इसके अगर डिटेल चाहिए तो आप यार नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो मैं यूज करता हूँ राइजन 5 3600X और ग्राफिक कार्ड में RTX 3060। तो ये इसका डिटेल है। ओके, अब हम लोग जस्ट इसके बगल में आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डुअल मॉनिटर सेटअप किया गया है, तो ये दोनों से मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, एक मॉनिटर में अपना गेम प्ले चला लेता हूँ और गेम खेल लेता हूँ, और दूसरे मॉनिटर में मैं अपना रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर या फिर ऑडियो का कोई भी सॉफ्टवेयर जो मैं रन करता हूँ उसे मैं यहाँ पे रन कर डिस्प्ले करके देख लेता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं अपना माइक यूज करता हूँ, आप देख पा रहे हैं श्योरो का, ये बहुत ही अच्छा माइक है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, ये बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है और बहुत ही अच्छा खासा माइक है जो यार बहुत सारे यूट्यूबर यूज भी करते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ। तो ये मैंने इसको स्टैंड किया, एक स्टैंड पे माइक का स्टैंड है जो फ्लेक्सिबल है, जो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर हम लोग इसके नीचे आ जाए तो आप जैसे कि देख पा रहे इस तरफ बना गया है मेरा कीबोर्ड एंड माउस का पूरा चीज। अब ये जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे माउस के हिसाब से मैं नॉर्मली गेमिंग माउस यूज करता हूँ, इसमें ज्यादा RGB तो नहीं है, ये लॉजिटेक का माउस है। और कीबोर्ड यार बहुत ही बेसिक वाला है, मतलब मैकेनिकल है तब भी उसमें भी बहुत ही सस्ता वाला है, ये मैकेनिकल कॉस्मिक बाइट से आता है, ये आपको 2000 समथिंग का मैंने लिया था सेल में अमेजोन का, तो उसी हिसाब से चलता है, कोई मैं ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं यूज करता हूँ, सब बजट और नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये है मेरा माउस और कीबोर्ड, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक वायरलेस कीबोर्ड रखा गया है। तो ये कीबोर्ड इसलिए रखा गया है कि जब भी मैं इसमें टाइपिंग करता हूँ तो इसमें आवाज नहीं आती है, क्या होता है ना जब भी मैं मैकेनिकल में टाइप करता हूँ तो इसमें बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो ये थोड़ा सा मुझे बेनिफिट होता है रिकॉर्डिंग के टाइम में, मैं इसे यूज कर लेता हूँ। अगर मैं अपने टेबल की तरफ आ जाऊँ तो टेबल में बहुत सारी चीजें जो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहला मेरा ये हेडफोन जो बहुत टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, एक्सा कंपनी से आया था, मुझे भेजा गया था, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे फोन रखे हुए, कुछ टॉयज रखी हुई, मतलब की थोड़े फोड़े, ये स्कूटी हो गया, ये सब चीज का मुझे बचपन से शौक है तो मैं रखा हुआ, ये गेम पैड है एंड कुछ ईयरफोन्स हो गए, मेरे फोन हो गए, यहाँ पे मैं अपने एक पैड रखता हूँ लिखने के लिए, जो भी मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए तो मैं इसमें लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरा वॉच हो गया एंड इस जगह पे आप देख पा रहे हैं मेरा आईपैड है जो मैं कवर में रखा गया हूँ, ये आईपैड है, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप है। तो ये पूरा जगह यूज होता है, वहां पे मैं अपना कॉलेज का वर्क और बहुत सारे जो भी पर्सनल वर्क हो गया वो करता हूँ, और इस तरह मैं यूट्यूब में सारा वर्क इसमें करता हूँ, सारा लोड यूट्यूब का सब इसमें जाता है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे है। अगर हम लोग बात करें नीचे भी दराज है और नीचे में भी बहुत सारे सामान घुसाए गए जो मैं निकाल के नहीं दिखाना चाहता, बहुत सारे सामान है और कचरा पड़ा हुआ है, कोई एक प्रॉपर तरीके से नहीं है इसीलिए। और आप लोग सोच रहे हैं गेमिंग चेयर क्यों नहीं है, तो इस रूम में गेमिंग चेयर नहीं लगा सकते क्योंकि रूम बहुत ही छोटा है और गेमिंग चेयर बहुत ही बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग गेमिंग चेयर यहाँ पे नहीं फिट कर सकते, इसलिए मैं नॉर्मल चेयर यूज कर रहा हूँ, आते तो मेरे पास चेयर है बट नहीं लगाते। दूसरी तरफ आ जाते हैं तो ये लाइट है, ये रिंग लाइट है, जब भी यार रिकॉर्डिंग करते समय इसका यूज कर सकते हैं फेस उसमें लाइट देने के लिए, ये भी बहुत ही यूजफुल थिंग है, यूट्यूबर लोग को बहुत ही यूजफुल होता है। अगर हम लोग और इस तरफ आ जाए तो इस तरफ आपको मिलेगा डेकोरेशन वाला सामान,
मतलब कि रूम की सजावटी। अब यहाँ पे देख पा रही है बेड के पीछे लाइट जल रहा है, तो ये भी बहुत ही कमाल है, ये भी मैंने कस्टमाइज कराया है। अगर इसके ऊपर जाए तो मेरा दोनों सिल्वर प्ले बटन मैंने टांग दिया। ये जैसे कि देख पा रही है अमान अंसारी है, अमान मुजफ्फर अंसारी मेरा नाम है, मेरे सेकंड चैनल का जो 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो गया, और वहाँ पे AKM वर्ल्ड का 1 लाख सब्सक्राइबर वाला सिल्वर प्ले बटन। अगर आप लोग का इसी तरीके से सपोर्ट रहेगा तो हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी जल्दी अचीव कर पाएंगे और हमें गोल्डन प्ले बटन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद यार हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो आप जैसे कि देख पा रहे ये है पूरे तरीके से एक मेरा AKM वर्ल्ड का कस्टमाइज लोगो, जो यार सच में बहुत ही अच्छा है, ग्लो करता है। और आप लोग यार नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है, सच में मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा इस तरफ, अब आ जाइए आपका सबसे प्यारा चीज मैं दिखाता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ YouTube का लोगो, थोड़ा सा यार मुझे नीचे झुकना पड़ रहा है, लगता है आपको दिख जाएगा, लेकिन यार मैंने जो फोर सीलिंग कराया है वो पूरा YouTube का लोगो है। कैमरा में उतना अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा, बट यार अगर रियल लाइफ में देखते तो सच में कमाल का दिख रहा है। एंड यार YouTube के लोगो के साथ ही साथ आप अगर पंखा में भी देखेंगे तो मैंने पंखा में भी कस्टमाइज कराया है, पीछे अपना प्यारा GT5 का लोगो, इस तरफ भाई मैंने यार नीड फॉर स्पीड का यहाँ पे लेमिनेशन कराया है, इस तरफ यार अमंग अस का है, और दूसरी तरफ भाई एक माइनक्राफ्ट का है। तो ये सच में कमाल का लगता है। ये पंखा नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है, पूरे तरीके से कस्टमाइज किया हुआ। अब यार हम लोग इस तरफ आते हैं तो ये एकदम पूरा प्लेन दीवार था, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें हम लोग ने वॉलपेपर चिपकाया। और उसके बाद ही बात ये मेरा गिटार है जिसको मैं कभी कभार बजाता हूँ, पूरे तरीके से प्रोफेशनल या फिर मैंने पूरे तरीके से सीखा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत बजाने आता है। तो इसको मैंने यहाँ पर टांगा, और ये एक लाइट है जो इसको फोकस करता है, तो हाँ ये थोड़ा सा लुक अच्छा आता है, और ये पूरा क्लासी और बहुत ही प्लेन लुक है। अब आजिए ये हो गया मेरा पूरा बेड का एरिया, अब आजिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ। तो जिन लोगों को भी याद होगा कि मेरा पहले इस तरफ सेटअप हुआ करता था, ये और भी मतलब कि थोड़ा बड़ा हुआ करता था, बट मैंने यहाँ पे कवर बना लिया है, और इसका भी मैंने वीडियो डाला था सेकेंड वाले ब्लॉग में। तो आप जैसे कि देख पा रहे इसके अंदर कचरा ही पड़ा हुआ है, मत ही देखो ज्यादा बेहतर है, बट हाँ इसके ऊपर है, और उसके ऊपर भी मेरा पूरा बॉक्स वॉक्स पड़ा हुआ है, जो भी यार मैंने परचेस वर्चेस किया था वो सब मैंने ऊपर डाल दिया है। अगर हम लोग आ जाएं इस तरफ, तो इस तरफ आप देख पा रहे ड्रेसिंग टेबल है, और भाई इस तरफ बना सकते हैं हम लोग खतरनाक खतरनाक टिकटॉक वीडियोस, बहुत ही खतरनाक खतरनाक कुछ ही बना सकते हैं, और यहाँ पे अपने आप को सवर भी सकते हैं, बाल उल्ले से सेट उठ कर सकते हैं, और समझ लो ना पूरे तरीके से मजा कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी भी पूरा तरीके से कंघी होंगी है, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो यही है मेरा कुछ रूम, आप लोग यार नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये रूम कैसा लग रहा है। भाई बहुत टाइम लग गया, बहुत मेहनत लग गई इस रूम को बनाने में, और भाई पैसा भी बहुत ही लग गया। तो आप लोग यार प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि ये रूम कैसा लग रहा है। आप लोग यार बार बार पूछ रहे थे कि रूम टूर लेके आओ, कैसा बन गया। तो ये देखो यार मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज बता दिया, कुछ छूटा तो नहीं है ना, लग तो नहीं रहा कि कुछ छूटा, अगर छूटा होगा तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके सो गाइस हम लोग इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना। ओके गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।